गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वील स्टडी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज द सेकेंड वीडियो। इन फर्स्ट वीडियो वी लर्न हाउ टू गेट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दिस वीडियो वी लर्न हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन मेथड। आई हैव टोल्ड प्रीवियसली दैट देर आर 4 मेथड बाय विच वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लेट्स अस स्टार्ट टू हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन मेथड। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं उसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये नाम भी याद रखना जरूरी है। क्यों नाम रखना याद जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में कभी कभी जो है कंडीशन दे देता है। अगर नहीं दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी मेथड से जो है आप उसको बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में दे देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या और भी जो आगे दो मेथड हम बताएंगे उसका नाम। तो इसलिए जो है प्रोसेस के साथ साथ इसका नाम भी हमें याद रखना पड़ेगा कि हाँ इसको हम क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए। यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके लिए लिख रखा है, इसको आप लोग समझिए ध्यान से। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पर हमको 2 इक्वेशन जो है वह दिया हुआ है। अब हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे? यहाँ पे 2 चीज हमें करना है। सबसे पहला काम करना है कि एज योर चॉइस यू हैव टू इक्वल द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को इक्वल करना है। आप x को भी इक्वल कर सकते हैं या y को भी इक्वल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको इक्वल करना चाह रहे हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि अगर हम y को इक्वल करना है हमको, अब जब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू 1y है जबकि सेकेंड में 3y है, यानी कि अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब ये 3y हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप चाह रहे कि नहीं सर हम जो है x के वैल्यू को इक्वल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी मेथड जो है, कोई भी आप जो है इस बात को समझना है कि किसी को हम लोग इक्वल करके वैल्यू जो है वह निकाल सकते हैं। चलिए हम जो है यहाँ पे y का वैल्यू को इक्वल करते हैं। तो y का वैल्यू को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 वी गेट। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या पाते हैं, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, नो प्रॉब्लम, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हमारे पास जो है एक दूसरा आता है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि इसका सिंबल और इसका सिंबल जो जिसको हमने इक्वल कर दिया है उन दोनों का सिंबल सेम है या अलग अलग है। अगर सेम है तो फिर उसे हमें जो है सिंबल में से माइनस करना पड़ेगा, और यदि अलग अलग है तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम उसको जो है अपने प्रोसेस के द्वारा जो है वैसे उस हमको बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका सिंबल क्या है, प्लस, और इसका सिंबल क्या है, माइनस है। तो व्हेन वी ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो हमें क्या मिलता है, ये प्लस माइनस का 5x इक्वल टू 19 एंड x इक्वल टू 19/5। अब यहाँ पे हमें जो है x का वैल्यू जो है वो पता चल गया है। अब इस x का वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर आप सेकेंड भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पर सपोज कीजिए कि अगर हम x के वैल्यू को इक्वल किए रहते तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू निकल जाता है वो किसका आता, y का आता। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड एज योर चॉइस। अब हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस y इक्वल टू 5। अब x के जगह पर हमने 19/5 रख दिया, 5
y is equal to 5 minus 19 by 5. अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 25 minus 19 is equal to 6 by 5. यानी कि हमें जो है यहाँ पे वैल्यू जो पुट हो गया, x is equal to 19 by 5 and y is equal to 6 by 5. ये हमारा हो गया x और y का वैल्यू. तो बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एलिमिनेशन मेथड द्वारा बनाना. बस माइंड रखना है कि पहला काम क्या करना है, हमें किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर देना है. दूसरी चीज में माइंड क्या लगाना है कि हमने जिसको इक्वल किया उसका जो है सिंबल जो है सेम है या अलग अलग है. अगर सेम है तो ज्यादा उसको चेंज करना पड़ेगा, अलग अलग है तो वहां पर हम लोग डायरेक्ट जो है अपना ऐड करके उसको हम निकाल सकते हैं. तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड के द्वारा जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा है. आपको जो है ये एक्सरसाइज 3.3 में जो है उस मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करना है. आप लोग 3.4 में भी दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है, जो प्रॉब्लम होगा फिर उसको पूछना है. एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर रखे हुए हैं, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम. और इस क्वेश्चन के द्वारा भी हम इसको दो क्वेश्चन लिखने के पीछे रीजन है कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा क्या आता है कि एक नहीं दोनों वेरिएबल को जो है वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ सकता है. जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 9x minus 4y is equal to 2000 and 7x minus 3y is equal to 2000. अब देखें यहाँ पे जो है अगर किसी एक को हम इक्वल कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल दिख रहा है. यानी कि हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ सकता है, हो सकता है कि इक्वेशन दोनों का हमें कुछ ना कुछ जो है वैल्यू चेंज करना पड़ेगा. यानी कि अगर मान लिया जाए कि हम y को इक्वल करना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा डिजिट है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा. कुछ ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि 4 और 3 जो है कॉमन नहीं है. तो थोड़ा सा हम दिमाग लगा सकते हैं कि क्या करें. अब देखिए हम यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा. और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा. तो इस तरह से थोड़ा सा माइंड सेट करना है कि क्या ऐसा डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे जो है किसी एक वेरिएबल का जो है वो वैल्यू जो है वह इक्वल हो जाए. ये बात समझ में आ गई, लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 4 वी गेव. क्या मिलता हमें देखिए 27x minus 12y is equal to 6000 and 28x minus 12y is equal to 8000. ये हमें वैल्यू यहाँ पर सामने आया. अब देखिए यहाँ पे जो है दोनों का जो है सिंबल सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में से जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट क्या मिलता है हमें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज होगा, सबको पता है. अब यहाँ पर देखिए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2000 इट मीन्स एक्स इक्वल टू 2000. अब हमें यहाँ एक्स का वैल्यू निकल गया. अब जब एक्स का वैल्यू निकल गया तो उसी तरह से फिर हम पुटिंग दी वैल्यू करके जो है वाई का वैल्यू निकाल देंगे. हम पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, आपकी मर्जी फर्स्ट और सेकेंड कुछ भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पर हमने लिखा 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, x का वैल्यू हमने रख दिया 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, 18000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 18000 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 16000 एंड y is equal to 16000 by 4, it means 4000. तो y का वैल्यू हमें 4000 पता चल गया, यानी कि x का वैल्यू जो है 2000 है और y का वैल्यू जो है वह 4000 है. तो ये हुआ एलिमिनेशन मेथड. यानी कि अगर हमें दोनों इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है या एक इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है उसके द्वारा सॉल्व करना एकदम बहुत इजी है. आप इसको घर पर बनाएंगे एक्सरसाइज को, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करेंगे, निश्चित रूप से उसको सोल्यूशन किया जाएगा कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन हो. फिलहाल के लिए स्टे एट होम, बी सेफ्टी. थैंक यू.